Today's inspirations. All the problem of the world will be solved if we will stop when we get angry and apologize when we are wrong. क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस. आज का जो वीडियो है वो पराठों के हेल्थ के बारे में. सर्दियों का मौसम में लोग पराठे खाने के लिए बहुत ज्यादा उतावले विंटर सीजन में हो जाते हैं, तो आपके लिए हेल्दी पराठे कैसे और क्या हैं इस बारे में वीडियो में चर्चा करूंगा. तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. कुछ पूछना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो सर्दियों में हेल्दी पराठा खाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? साबुत गेहूं के आटे या फिर मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करेंगे अपने हेल्दी पराठे को बनाने के लिए. अगर इसमें प्रोटीन, पोषक तत्व और प्रोबायोटिक्स आपको चाहिए शरीर के लिए तो आप इसमें दही का प्रयोग करें. जी हाँ, आटे को गूंथने के लिए दही का प्रयोग करें, जिससे आपके प्रोटीन की कमी को ये पूरा कर देगा. या फिर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आटे को दूध से भी गूंथ सकते हैं. इससे आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और आटे को ये नरम भी कर देगा. हम सभी को पराठे में आलू का पराठा और पनीर का पराठा बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन अगर आप इसकी जगह सोया, चना, ब्रोकली, सब्जी, टोफू साथ में आप मिक्स करेंगे, स्प्राउट्स, अगर इन चीजों को मिलाकर, अंडे भी मिलाकर आप बनाते हैं नाश्ते में ये पराठा, तो आपके लिए हेल्दी और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है. ध्यान रखें कि आटे से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स सब्जियां हो, यानी कि जो भी चीज आप मिला रहे हो उसकी मात्रा आटे से ज्यादा होनी चाहिए पराठे में, तो आपके लिए ये हेल्दी और आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा. जब भी आप पराठों की तैयारी करते हैं बनाने के लिए तो आप उसमें हर्ब का इस्तेमाल जरूर करें. हर्ब यानी कि धनिया, पुदीना, तुलसी और अजवाइन. आप नमक मसालों की जगह इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं. ये आपके पराठों के स्वाद तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपके टेस्ट में भी काफी आपको अच्छा लगेगा और आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. पराठे के लिए अगर आप आटा गूंथ रहे हैं तो उसके लिए आप प्यूरी का इस्तेमाल जरूर करें. जैसे कि पालक मेथी का प्यूरी बना ले, इससे आप आटा गूंथें. या फिर राजमा या चना का भी आप प्यूरी बनाकर इससे आप आटा गूंदेंगे तो इससे आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके हेल्थ और स्वाद में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. पराठे को आप क्रिस्पी और लो कैलोरी में बनाने के लिए आपको सही तेल का चुनाव करना चाहिए, जिसमें जो हमारे लिए हेल्दी फैट का बने. जैसे कि कोई अच्छा तेल आप इस्तेमाल करें जिसमें हेल्दी फैट हो और घी का इस्तेमाल करें पराठे को बनाने के लिए. जब पराठा आप बना रहे हो तो उसे दोनों तरफ से सेकें, जब उसमें बिंदी बिंदी आने लग जाए तब उसमें आप तेल या घी का इस्तेमाल करें. इससे पराठे क्रिस्पी और लो कैलोरी वाले बनते हैं, जो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है. पराठे की स्टफिंग करने के लिए आपको सीड्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए. इससे न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके लिए हेल्दी पराठा ये बन जाता है. भुने हुए चिया सीड्स, मिक्स सीड्स और सूरजमुखी के सीड्स, यानी इन तीनों के बीज को भूनकर आप इसे भी अपने पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पराठे के न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ा देती है और आपके लिए ये एक हेल्दी पराठा बन जाए. अब जानेंगे कि आपको एक टाइम में कितना पराठा खाना चाहिए. एक पराठे में 250 से 300 कैलोरी होती है, तो आपको एक टाइम में सिर्फ एक पराठा खाना चाहिए जो फुल आपका मील बन जाता है. इसे आप कैसे खाएंगे? दाल, दही या फिर छाछ के साथ. तो ये था हेल्दी पराठे जो आप सर्दियों में इसका सेवन कर सकते हैं. मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.